आजकल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या किसी का बॉयफ्रेंड चला गया, किसी के गर्लफ्रेंड चला गया, या किसी को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, या किसी को लगता है कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा किसी के साथ, नर्वसनेस फील करते हैं कई बार बच्चे। ये समस्याएं अभी कुछ 10 से 20 साल के बीच में ज़्यादा देखी गई है, जब पेरेंट्स ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको हर चीज़ चाहते हैं, वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, बच्चे बहुत एडवांस हो जाएं, लेकिन गंगा उल्टी दिशा में बह रही है। वो चाहते हैं एडवांस हो जाएं, बच्चे डिक्रीज हो रहे हैं। वो बाहर से आउटर में तो लुक में आपको एडवांस दिखेंगे, बट मेंटल लेवल पे उनका कोई भी उनके अंदर क्षमता नहीं है। जरा सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, जरा सी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक दो हार मिल जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल बच्चे चाहते हैं बिल्कुल मोबाइल की तरह हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ, कोई भी डिफिकल्टी उनको फेस ना करनी पड़े, कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। उनकी क्षमताएं बहुत गिर गई हैं बच्चों की चैलेंज फेस करने की। माँ बाप कहते हैं बस तुम पढ़ो, बाकी टेंशन मत लो। बच्चे के अंदर क्षमता ही नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ को फेस करने की क्षमता ही नहीं है बच्चे के अंदर, और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है, हमारे स्कूल की है, कि केवल वो बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, कैरियर और बस कैरियर। बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस किस लेवल पे जा रहा है इस बात से उनका कोई मतलब नहीं है। जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, तब वो ढूंढते हैं कि इन्हें क्या हो गया या इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई। उससे पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं होती कि उनकी जो ये ज़्यादा केयर वाला नेचर है, ज़्यादा उनकी परवाह वाला नेचर है, यही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। आज से 30 साल पहले आप देखेंगे तो किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होते थे, कोई बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते थे, कोई बच्चे एंजाइटी में नहीं जाते थे। आज से भी ज़्यादा टफ सिचुएशन में रहते थे बच्चे, भले ही उनका बाहर से विकास आपको ना दिखता हो इतना, लेकिन भीतर से बड़े सशक्त और ताकतवर बच्चे होते थे। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक बच्चे हैं, कोमल बच्चे हैं, जिनका प्रैक्टिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल वाले बच्चे हैं, मोबाइल एडिक्ट बच्चे हैं, इनको केवल लाइफ में इंजॉय करना है बस, इन्हें प्रैक्टिकल स्थिति का कोई आइडिया नहीं है। और पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं, स्कूल भी इनमें सपोर्ट करते हैं। एसी लगेगा स्कूल में, बस में भी एसी है, स्कूल में सारी एक्टिविटीज जिसमें बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, बस वो इजी से बस पढ़ता रहे, बस उसके 99% नंबर आ जाए। बच्चे को केवल 99% नंबर से तोला जाता है, बच्चे को इस बात से नहीं तोला जाता कि बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। बच्चे में आजकल ये रिपोर्ट आई है ये कि 8 सेकंड की केवल उनके अंदर पेशेंस रह गया है, जरा सी बात पे वो ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की भविष्य में बहुत कम संभावनाएं हैं सक्सेस होने की, उनके भविष्य के डिप्रेशन एंजाइटी में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पेरेंट्स की और एजुकेशन सिस्टम की सारी मेहनत फेल होने जा रही है अगर आप उनका इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस हाई करने में फेल होते हैं, तो आप मान के चलिए बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि 85% सक्सेस और खुशी केवल इमोशनल इंटेलिजेंस पे निर्भर करती है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो बच्चे टिके रहते हैं, जो बच्चे सरवाइव कर सकते हैं, जिनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है, केवल वही बच्चे आगे बढ़ेंगे, और बाकी चाहे कितने भी होशियार बच्चे हों, उनके जीवन में आगे कोई संभावनाएं मौजूद नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो कृपया करके अपने बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस पे ध्यान दें, रेदर देन कि उन्हें 99% नंबर आ गए हैं, IIT में सिलेक्शन हो गया है कि MBBS में सिलेक्शन हो गया है। अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए, लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नीचे गिर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, सबका रिजल्ट जीरो है। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें इस बात की और बच्चों के इमोशनल क्वोशेंट को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम सर मुकुल अग्रवाल है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज़ की ओर ध्यान दें, जिससे बच्चों की ग्रोथ हमेशा के लिए बढ़ाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।